हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग डिश जिसका नाम है मैक्रोनी वेज पिज्ज़ा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मैं अपने एक सब्सक्राइबर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। तो इसके लिए हमने ली है वन बाउल मैक्रोनी, अनियंस विद ग्रीन चिलीज, टमाटोज, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं अपने पिछली वीडियो में सब कुछ मिक्स किया था सॉस के लिए, इसमें मैंने अलग अलग किया है। ये सिंपल केचप है, इसमें मैंने चिली फ्लेक्स मिक्स किए हैं। ये हमने लिया है मेयोनीज़ को मैंने बहुत पतला कर दिया है, और इस बार ही मैंने अमूल शीट्स की जगह लिया है अमूल मोज़रेला चीज़। और जैसे कि आपको पता है ये है पिज़्ज़ा बेस, और इसमें मैंने पहले से ही होल्स कर दिए हैं और प्लेट को मैंने नीचे से ग्रीस कर दिया है। सो अब इसके ऊपर मैक्रोनी डालने के लिए पहले हमें उससे थोड़ा सा सॉटे करना पड़ेगा, तो हम सॉटे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है नॉनस्टिक कढ़ाई, सो आप इसमें नॉर्मल ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुद्ध देसी घी का। ये ध्यान में रखिएगा कि मैंने इधर ये नॉनस्टिक कढ़ाई ली है। तो इधर हमारा घी गर्म हो गया है, अब इसमें डालूंगी मैं ये अनियन, और इसमें मैंने ग्रीन चिलीज काटी हैं। ये मैं आपको बता दूंगी, ये मैंने हाफ अनियन लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, हल्का सा ब्राउन करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ जो वेजीज में मैक्रोनी को सॉटे करना है हल्का सा। मैंने इसमें बहुत बारीक बारीक काटा हुआ है प्याज। सारी वेजीज जो, अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हो गया बीन्स, पीस एंड मैनी थिंग्स ऑल्सो। जैसे आप देखते हैं हमारे इसके कलर आ रहा है। अभी इसमें हम साथ साथ में ऐड कर देंगे टमाटोज। ये मैंने एक टमाटर लिया है, इसको भी मैंने बहुत बारीक बारीक काटा है। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे अच्छी तरह। ये आप देख सकते हैं हमारी वेजी हल्की भुने हुए हैं। अब इसमें हम हल्की सी बेकन ऐड करेंगे, अगर आपके पास सांतरे का है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इधर हाफ स्पून से भी कम सॉल्ट यूज किया है मैंने। सॉल्ट आप कोशिश कीजिए कि कम ही डालें। नाउ वी ऐड अ मैक्रोनी इनटू इट। इसको हमने सॉटे कर लिया और ये मिक्स भी हो गया है अच्छी तरह से। और इसको हम 1-3 मिनट्स के लिए और रखेंगे कि वही ओवर कुक हो जाता है। 1-3 मिनट्स पर इसको हम साथ साथ में हिलाते रहेगा, क्योंकि ये चिपकता है फिर साथ साथ। आप अगर चाहें तो इसमें आप और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि पिज़्ज़ा के लिए आप मैक्रोनी को सिंपल ही रखें। ये हमारी मैक्रोनी रेडी हो गई।
डिनर इज रेडी। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने माइक्रोनी को दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लिया है। ये माइक्रोनी ऐसे कलरलेस ही बनेंगी क्योंकि हमने इसमें हल्दी नहीं ऐड की है और हम हल्दी ऐड करेंगे भी नहीं। सो अब हम अपना पिज्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। सो पिज्ज़ा के लिए पहले हम ये सॉस लगाएंगे, शेक इट वेल। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने सॉस में सिंपल केचप लिए, टमाटो केचप, और उसमें ऐड किया है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहते हैं, आप चिली फ्लेक्स ना डालें। इसका एक्सेप्शन है कि आप वो सॉस यूज़ कर लीजिए जो चिंग चाइनीज़ की मिलती है मार्केट से। अब हम इसमें मेयोनीज डालेंगे इसके ऊपर। मेयोनीज देख सकते हैं आप, सारा ठीक है, कितनी ठीक है। मेयोनीज अगर आप नहीं डालेंगे सो उससे ये होता है कि आपका जो पिज्ज़ा है वो क्रीमी नहीं बनता है। मेयोनीज जो होती है वो पिज्ज़ा को क्रीमी बनाती है। ये हमारी मेयोनीज हमने डाल दी है। सो अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपना माइक्रोनी जो हमने अभी बनाई थी। अब जितनी ऐड करना चाहे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसका फ्लेवर आएगा आपको। और एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो मैक्रोनी है इसको हमें ठंडा करके डालना है, गरम गरम नहीं डालना। हमने भरपूर मैक्रोनी ऐड कर दी है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपना अमूल मोज़रेला चीज़, इसको मैंने ग्रेट किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही यूज़ करें, आप इसकी जगह अमूल की जो चीज़ शीट्स आती हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने वो यूज़ की थी। इसके जो बेस होता है पिज्ज़ा का, उसमें हमने होल्स भी करने होते हैं, तो वो आप मत भूलिएगा करने। ये हमने डाल दिया चीज़। सो फ्रेंड्स, हमारा जो माइक्रोवेव है वो प्री हीट हो गया है। अब हम अपना पिज़्ज़ा उसमें डाल देंगे 3 मिनट्स के लिए। दूसरा पिज्ज़ा बना रही हूँ, इसमें मैं चीज़ शीट्स यूज़ करूँगी। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगी इसे खोलते कैसे हैं। जो ये चीज़ होती है इसको हमें ऐसे खींचना होता है और फिर ये इसको ऐसे करना होता है, हमें घुमाना होता है और ये खुल जाता है। बहुत लोगों को ये खोलना नहीं आता, पहले मुझे भी नहीं आता था खोलना, तो यही तरीका यूज़ करेंगे सबको खोलने के लिए। दूसरी तरफ हमारा पहला पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है, तो हम तोड़ तोड़ के लगाएंगे हर जगह ताकि आ जाए। जो चीज़ शीट्स होती हैं वो एक पिज़्ज़ा में मैक्सिमम 4 यूज़ होती हैं, मिनिमम 3 यूज़ होती हैं। आप देख सकते हैं मैंने 3 शीट्स को पूरे पिज़्ज़ा में कवर कर दिया। तोड़ तोड़ के हम सारी जगह लगा देंगे। हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार है। आज हमारा पहला पिज़्ज़ा बनकर बाहर आ गया है माइक्रोवेव से। अब हम इसको गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर डालेंगे चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास पैप्रिका अवेलेबल है तो आप
वो भी डाल सकते हैं। इट लुक्स सो टेस्टी एंड आई होप इट्स ऑल्सो टेस्टी, इट टेस्ट्स ऑल्सो टेस्टी। दिस मच इज एनफ। So friends, don't forget to subscribe and like my channel. And if you like my videos, please do not forget to share and like them. Thank you.